इससे हो जाएगा, इससे ऊपर भी नीचे ऐसा ठीक। हाँ यस डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम सर। यस सर। आपको आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, कल जो हमने ये टॉपिक शुरू किया था फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, आपने चेक किया बुक में, देखा आपने इसको? यस सर। वो समझ आया आपको या नहीं आया जी, बताएं? एनीवन? यस सर। आपने बुक में देखा इसको? यस सर। यस सर। देख लिया वहां से आपने इसको? यस सर, देख लिया। कुछ समझ आया वहां से? यस सर। चले, क्या क्या नाम है आपका जो आप बोल रही हैं? सर सुमैया अहमद। अच्छा, ये बताएं क्या होता है ESF, क्या होता है? सर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है आउटसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो टोटल बॉडी वाटर कंटेंट होता है 60%, उसमें से 20% इज प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और अगर हम उसको लीटर्स में करें तो आउट ऑफ 42 लीटर्स 14 लीटर इज प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को आगे हम मजीद टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इंटरस्टीशियल फ्लूइड एंड द प्लाज्मा। इंटरस्टीशियल फ्लूइड कंप्राइज अबाउट 11 लीटर्स एंड द प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 3 लीटर्स। बहुत अच्छे याद किया आपने, ठीक है। चले अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। ये कल हम पढ़ रहे थे कि मेजरमेंट्स ऑफ फ्लूइड इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड, ठीक है। इसको देखा आपने, ये डायग्राम कल आपको दिखाई गई थी कि जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम है, इसमें ये एक सिंपल वाटर है, उसमें अगर हम कोई इंजेक्ट कर रहे हैं या कोई उसके अंदर डाई डाल रहे हैं, तो जो राइट साइड की पिक्चर है उसके अंदर आखिर में क्या चेंजेस आती हैं, यानी कि जितना हम इसमें से कोई भी फ्लूड लेते हैं या कोई ऐसे रिएजेंट लेते हैं या कोई ऐसी कलरफुल डाई लेते हैं, उसकी अगर मिकदार हमें मालूम है, उसकी कंसंट्रेशन अगर हमें मालूम है, तो वो जब किसी भी सोल्यूशन में ऐड की जाती है, देन वी कैन डिटेक्ट द होल क्वांटिटी ऑफ दैट सोल्यूशन। ये कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, याद है आपको? तो इसका फार्मूला ये था कि हमने जो ये राइट साइड पे जो कंटेनर है, दैट इज द बी, तो इसको हमने मालूम करना है फार्मूले के तहत कि वॉल्यूम बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ए मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। वॉल्यूम ए उसमें क्या है कि हमने 1 ml में जो वो सोल्यूशन लिया है उसमें जो कंसंट्रेशन थी वो 10 mg/ml थी, ठीक है। जो हम उसमें डाई यूज कर रहे हैं या जो कोई सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं वो 10 mg/ml थी और हमने उसका 1 ml लिया है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं जो हमें कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन बी में मिल रही है, यानी जो हमारे पास सेकंड कंटेनर दैट इज द वॉल्यूम ऑफ बी, जिसको हम कह रहे हैं, जिसकी हमने टोटल उसका हमने वॉल्यूम मालूम करना है, उस कंटेनर को हमने बी रखा है, उसकी जो हम कंसंट्रेशन मालूम कर रहे हैं जो कैलकुलेट की है वो फॉर एग्जांपल 0.1 mg/ml है। तो इसको जब हम इस कैटेगरी में रखेंगे कि 1 ml मल्टीप्लाई बाय 10 mg/ml और डिवाइडेड बाय 0.1 mg, तो ये इज इक्वल टू 1000 ml। इससे क्या मुराद हुई कि जो हमारा कंटेनर बी है उसका जो वॉल्यूम है फ्लूड का, उसके अंदर उसके अमाउंट है 1000 ml या 1 ml, वो 1 liter। Understand this point? ये question आपको समझ आ गई? Yes, sir. Next, determination of volume of the different compartments of the body. अब ये अगर हमने body का total body water हमने calculate करना है, तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो radioactive water लेते हैं, उसमें tritium है, tritium और heavy water use किया जाता है, और दूसरा है antipyrin, हाईली लिक्विड सॉल्युबल। ये दो चीज़ें हैं जिसको हम इंजेक्ट करते हैं अपने बॉडी में, और उसके बाद इसकी हमें कैलकुलेशन से पता चलता है कि हमारे बॉडी का टोटल वाटर कितना है। मेजरमेंट ऑफ ECF कैन बी मेजर बाय इंजेक्टिंग ए सब्सटेंस दैट डज नॉट परमिएट द सेल मेम्ब्रेन। इसमें वही बताया आपको कि मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, जैसे रेडियो एक्टिव सोडियम है, रेडियो एक्टिव क्लोराइड है, रेडियो एक्टिव आयोथैलामाइड है, और थायोसल्फेट आयन है, और इनोलिन है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ अवकात में हम इंजेक्ट करते हैं, और उसी वजह से हम अपनी
तमाम जो बॉडी फ्लूड है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द ICF इंट्रासेलुलर फ्लूड नो मेथड ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट कैन बी कैलकुलेट। ये बड़ा आसान सा फार्मूला है कि ICF इज इक्वल टू टोटल बॉडी वेट माइनस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। अब ये देखना है कि हमने इसको प्लाज्मा वॉल्यूम जो है उसको हम कैसे मेजर कर रहे हैं। कैन बी मेजर बाय सब्सटेंस दैट डज नॉट परमिएट द कैपिलरी मेम्ब्रेन एंड रिमेन इन द वास्कुलर सिस्टम। इससे क्या मुराद है कि जो हमारी कैपिलरी मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो फ्लूड जा रहा है वो रूटीनली परमिएबल उसके लिए वो चीज नहीं होती है और वास्कुलर सिस्टम के अंदर वो मौजूद है। उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो रेडियोएक्टिव एल्ब्यूमिन यूज की जाती है और दूसरी एवेंट्स ब्लू डाई जो है वो यूज की जाती है। तो वही फार्मूला आ गया ICF इज इक्वल टू ECF माइनस प्लाज्मा वॉल्यूम। अच्छा अब ये देखना चाहिए कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो हम किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सारी इक्वेशन आपके बुक में लिखी हुई है, वहां से आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है इज इक्वल टू प्लाज्मा वॉल्यूम माइनस 1 माइनस हेमेटोक्रिट। हेमेटोक्रिट आपको लास्ट टाइम बताई थी कितनी होती है। यार यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है मेरे पास सर। मेल्स में 0.40 होती है और फीमेल्स में 0.36 होती है। हाँ ठीक है, तो अगर हमें प्लाज्मा वॉल्यूम मालूम है तो हम उसका ब्लड वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्लाज्मा वॉल्यूम 3 लीटर है तो डिवाइडेड बाई 1 - 0.4 इज इक्वल टू 5 लीटर। ये हमारा पास क्या आ गया, ब्लड वॉल्यूम आ गया। अब ये मुख्तलिफ जो है कि किस तरह हम मुख्तलिफ चीजें, ये आपकी बुक के अंदर ये चार्ट दिया हो गया, इसको आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सी चीजें हम किस तरह उसका वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। ये पहले भी बताया कि अगर हम टोटल बॉडी वाटर मालूम करना है तो हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड और एंटीपायरिन वगैरह जो हैवी वाटर जो है वो यूज की जाते हैं एज एन इंडिकेटर। अगर ECF मालूम करना है तो सोडियम है, आईथैलमाइड है, थायसुलफाइट और इनुलिन है, और इंट्रासेलुलर है अपना उसके लिए जैसे आपको फार्मूला बताया कि टोटल बॉडी वाटर माइनस ECF। प्लाज्मा वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है इवेंट्स ब्लू डाई और एल्ब्यूमिन है, और ब्लड वॉल्यूम के लिए वो चीज़ है, और इस तरह ये आप डायग्राम जो पिक्चर जो है उस चार्ट आपकी बुक के अंदर इसको आप रीड कर लेना है। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने नाम याद करने हैं कि 2-4 नाम याद कर लें जो फॉर द पर्पज ऑफ वाइवा एंड फॉर द पर्पज ऑफ थ्योरी के 2-4 नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंडिकेटर यूज होते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द बॉडी वाटर और ESF। जैसे एंटीपायरिन याद कर लें, हाइड्रोजन हैवी वाटर याद कर लें, इनुलिन याद कर लें। ठीक है, इसमें 2-4 नाम आपको याद होने चाहिए, सारे बेशक याद करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट फ्लूइड इन ECF एंड ICF, ये एक क्लिनिकल प्रॉब्लम है कि अगर हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को किस तरह मेंटेन करना है, तो उसके लिए आपको सर्कुलेशन में आपने पढ़ा था कि हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस होती हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं, ये तमाम के तमाम जो है ना ये हमें डिफरेंट यूज होते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, इंटरस्टिशियल सिस्टम के लिए, इन तमाम में इसको हमने इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना होता है। तो ये अगर थोड़ा बहुत चैप्टर आप रिकॉल कर लें सर्कुलेशन का तो उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। अब देखना है कि ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्विलिब्रियम बिटवीन ICF एंड ECF एंड इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ECF एंड ICF? एनीवन, क्या रोल हो सकता है सेल का? कल भी आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमेबल होती है किसके लिए? वाटर सॉल्युबल के लिए। इसके लिए दोबारा बताएं, परमिएबल है वाटर? वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए इम्परमेबल होती है, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए परमिएबल होती है। ठीक है, और एक चीज और आपको बताई थी, अगर ये हमारे पास मेम्ब्रेन ना हो तो फॉर एग्जांपल बर्न होता है फिर क्या होता है सर? वाटर लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ फ्लूइड सर। कितना लॉस हो जाता है सर?
300 to 400 सर 3 to 5 liter पर डे. देखिए ये नॉर्मल बताया था आपको 350 मिलीलीटर पर डे. ठीक है, जब बर्न हो जाता है सेल मेम्ब्रेन लॉस हो जाती है तो उसके लिए जो हमारी स्किन की बात कर रहा था इस वक्त में जो स्किन की लॉस होती है तो उसमें हमें जो इन लीटर्स में जो है ना वो वाटर की हमें जरूरत पड़ती है मोर देन 8 to 10 liters. ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए. अच्छा, अब टुडे आवर टॉपिक, ये तो कल का बकाया रह गया था इसलिए वो थैंक्स के बीच में आ गया था. टुडे आवर टॉपिक इज द ऑस्मोसिस. क्या मुराद है ऑस्मोसिस से? अगर कोई मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और अगर उसमें एक हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसके अंदर मौजूद है, ठीक है, नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू वन दैट हैज ए लोअर वाटर कंसंट्रेशन. यानी कि ऑस्मोसिस से ये मुराद है कि ये कौन बोल रहा है आपके साथ है? ऑस्मोसिस से मुराद ये है कि वाटर की जो मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन जब उसके दरमियान में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मौजूद है, ये इसकी डेफिनेशन है. अच्छा, अब इसमें हम देखें कि जो टॉप की पिक्चर है उसमें एक दिखाया गया सेंटर में जो रेड लाइन है दैट इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो अगर लेफ्ट साइड पे साल्टी वाटर है उधर भी साल्टी वाटर है तो अगर हम इसमें पिक्चर ए में हम देखें अब हम इसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर हम वाटर ऐड कर रहे हैं. अब वो एरो जो शो कर रहे हैं कि वाटर जो है वो फ्रॉम लेफ्ट गोइंग टूवर्ड्स द राइट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन. जो सेकेंड पिक्चर है येलो एरो के बाद वो उसमें जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो गई है दोनों के अंदर. ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि टॉप पिक्चर में जो सेमी परमेबल दिखाई ये वाटर लेवल सेम है, लेफ्ट साइड पे जो ए में है उसमें हम वाटर उसमें हम ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर जो है डिफ्यूज हो रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन. अब इसी को पिक्चर का नीचे लेके जाए तो अगर हम राइट साइड पे हम साल्ट ऐड कर देते हैं, अगर हम साल्ट ऐड कर देते हैं यानी कि इसकी कंसंट्रेशन हमने साल्ट की राइट साइड पे बढ़ा दिया है, राइट साइड पे कंटेनर में अगर हम साल्ट की कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी है तो क्या होगा? तो वाटर जो है वहां से डिफ्यूज होके राइट साइड की तरफ जाएगा जहाँ पे कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूट्स की यानी साल्ट की ज्यादा है, तो वहां पे डिफ्यूज होके दूसरी तरफ जाएगा. ये एक सिंपल प्रोसेस है ऑस्मोसिस का. सेल मेम्ब्रेन फिर बार बार वही आता है कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन की क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए, क्या उसमें से ट्रांसफ्यूज आ रहा है, क्या उसमें से जा रहा है, क्या उसमें से आ रहा है. यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, हाईली वाटर सॉल्युबल है, ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू सॉल्यूट्स, एडिशन और रिमूवल ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम वन साइड रिजल्ट इन द ऑस्मोसिस. अब वो ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन है दैट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेट ऑफ ऑस्मोसिस. तो सेल मेम्ब्रेन की क्या क्या क्वालिटीज हैं? नंबर वन सेमी परमेबल. सेमी परमेबल ठीक है. नंबर टू वाटर सॉल्युबल. ठीक है. ऑलमोस्ट इम्परमेबल. एडिशन और रिमूवल ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम वन साइड रिजल्ट इन द ऑस्मोसिस. ठीक है, अगर हम उसमें से कुछ सॉल्यूट निकाल रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं तो फिर हमारे उसमें ऑस्मोसिस होगी क्योंकि कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट का उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है. तो इसको जो डिफरेंस होती है इसको हम कहते हैं रेट ऑफ ऑस्मोसिस. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द रेट ऑफ ऑस्मोसिस. सर सेल मेम्ब्रेन वाटर सॉल्युबल कैसे होती है? जी नहीं, सेल मेम्ब्रेन वाटर सॉल्युबल क्यों है?
ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये हम उसके कंसीडर करें जब हमने ऑस्मोसिस कंसीडर करना है, ठीक है। ये वो दूसरी से वो नहीं है कि जिसमें वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, वाटर से जाने जाना है सूरत में, वाटर से गुजर जाता है ना, सल्यूट्स नहीं गुजरते उसके अंदर से, ठीक है ना, वाटर से गुजर जाता है, सल्यूट्स नहीं गुजरते उसमें से। अब ये एक डेफिनेशन है, ये आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी हो कि मोल्स और ऑस्मोल्स, किसी को अगर याद रह गई हो पढ़ेंगे आपने बायोकेमिस्ट्री में सर, कंसंट्रेशन ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स। यस, सो टोटल नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल इन ए सॉल्यूशन इज मेजर्ड इन ऑस्मोल्स, वन ऑस्मोल इज इक्वल टू वन मोल इफ सब्सटेंस डज नॉट डिसोसिएट। ये डेफिनेशन आपको बुक में से याद करनी पड़ेगी, बायो हम फिजियोलॉजी में तो हम नहीं पूछते, बायोकेमिस्ट्री वाले शायद आपसे बायो में पूछते हो, हमें इसकी जरूरत नहीं, मगर अगर पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको ये चीज़ें याद आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें यह है कि अब अगर सोडियम और क्लोराइड को देखें तो ये इसमें दो अलग अलग मालिक्यूल है, इसके अंदर दो मालिक्यूल होंगे, तो इसलिए इसको हम टू ऑस्मोल कहेंगे। ये बात आपको समझ आ गई कि वन मॉलिक्यूल, वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू टू ऑस्मोल पर लीटर। ये इसमें दो चीजें हैं, एक सोडियम है और एक क्लोराइड है। एक और एग्जांपल नीचे दी गई है, सोडियम सल्फेट, उसमें Na2SO4, यानी सोडियम को उसमें दो है और SO4 का एक मॉलिक्यूल है, तो इज इक्वल टू 3 ऑस्मोल पर लीटर। ये बात क्लियर हुई आपको कि जो वन ऑस्मोल इज इक्वल टू वन मोल, यानी कि जो एक सब्सटेंस है जैसे सोडियम है या क्लोराइड है, या सोडियम क्लोराइड, ये दो अलग अलग चीजें हमें ऑस्मोलरिटी के लिए, ऑस्मोल करने के लिए उसमें दो चीजें, ये दो अलग अलग काउंट होंगी, तो वो दो ऑस्मोल कहलाएंगे। अगर सिर्फ सिंपल सोडियम है तो वो वन ऑस्मोल कहलाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस सर। अब ये ऑस्मोलैलिटी एंड ऑस्मोलैरिटी, ये बड़ा मिलती जुलती टर्मिनोलॉजी है। जो ऑस्मोलैलिटी है वो है नंबर ऑफ ऑस्मोल पर किलोग्राम, ऑस्मोलैलिटी नंबर ऑफ ऑस्मोल्स पर किलोग्राम, और जो ऑस्मोलैरिटी है वो है नंबर ऑफ ऑस्मोल पर लीटर ऑफ वाटर। यानी रूटीन में ऑस्मोलैरिटी ज्यादा यूज होती है, मगर बाई वेट अगर देखें तो सिनोमिनस दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है, वो किलोग्राम में है और वो लीटर में है, तो अगर ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है तो इसलिए ऑस्मोलैरिटी ज्यादा ही यूज होती है। जब हमने ये फ्लूइड कंपार्टमेंट में इसको चेक करना है तो ये बाद में याद कर ले कि ऑस्मोलैलिटी और ऑस्मोलैरिटी में क्या फर्क है। ऊपर वाले में किलोग्राम है और नीचे वाले में लीटर है, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको, जहां पे लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ऑस्मोलैलिटी तो वह नंबर ऑफ ऑस्मोल पर किलोग्राम ऑफ वाटर, और दूसरे में है नंबर ऑफ ऑस्मोल पर लीटर ऑफ वाटर, ये कहलाती है ऑस्मोलैरिटी। वो जो आखिरी लाइन लिखी कि इन डाइल्यूशन टू द लाइक बॉडी फ्लूइड बोथ आर सेम, तो ये सिर्फ डेफिनेशन में इसका डिफरेंस है, बाकी बाय वेट या बाय वॉल्यूम ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है द अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू अपोज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जब मूवमेंट्स ऑफ वाटर को हम स्टॉप करते हैं, अगर कोई उसको हम हायर कंसंट्रेशन कर रहे हैं या लोअर कंसंट्रेशन में अगर हम उसके मूवमेंट को हम स्टॉप कर रहे हैं, और उसको स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर यूटिलाइज हो रहा है दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। दोबारा हम डेफिनेशन पढ़ें, द अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू अपोज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, यानी कि हमने ऑस्मोसिस हमने उसकी स्टॉप कर देंगे अगर हम उसको उतना प्रेशर हम दे दें, दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। It is the indirect measurement of solute and water. Higher the osmotic pressure, lower the water content. ठीक है, ये तो सीधी सी बात है। अच्छा, osmotic pressure and osmolarity. Osmotic pressure is directly proportional to the number of osmoles, osmotically active particle. यानी कि osmotic जो pressure है, वो
वो डिपेंड करता है कि हमारे जो ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स हैं उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं। जितना उसका पार्टिकल ज्यादा है तो उसका उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। ये मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड नहीं करता, उसके पार्टिकल पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल दी गई एल्ब्यूमिन ग्लूकोज एग्जर्ट सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सोडियम क्लोराइड हैज डबल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या मतलब हुआ कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल, जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यस सर। देखिए यानी कि जो उसमें एक्टिव पार्टिकल्स हैं उसके अगेंस्ट जो भी प्रेशर अप्लाई होगा उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब उसके ये वो सोडियम क्लोराइड में एक्टिव दो पार्टिकल है, एक है सोडियम और एक क्लोराइड, इसलिए उसका डबल इफेक्ट होगा। और ये कैलकुलेटेड हुआ है कि ईच मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूट एक्सर्ट ए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 19.3 मिलीग्राम। यानी कि अगर कोई सॉल्यूट का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कैलकुलेटेड किया हुआ है, इट इज इक्वल टू 19.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब हम एक एग्जांपल हमारी बुक में दी गई है कि अगर हम एक जो सॉल्यूशन है वो है 0.9% सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, ये अक्सर आपने सुना होगा कि ड्रिप लगवा लें नॉर्मल, इसको नॉर्मल सलाइन भी हम कहते हैं, तो उसके लिए एक लीटर में अगर हम सोडियम क्लोराइड की ड्रिप हम लगा रहे हैं जिसकी रेशियो है 0.9%, 0.9 से क्या मुराद है? 0.9% आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक तो है वो, तो बात आप समझ, 0.9% से 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से क्या मुराद होगा बताएं? पर उसमें 0.9% ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स होंगे सोडियम क्लोराइड के, ठीक है? Yes. ये बात यानी कि 0.9 से मुराद है 0.9 ग्राम जो है ना पर 100 ml हुआ, परसेंट 100 में आएगा ना, ठीक है, 0.9 ग्राम हो गया पर 100 ml हो गया, और लीटर में हम देख रहे हैं लीटर में, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा 9 ग्राम पर लीटर। ये बात क्लियर हुई आपको? यस सर। बाय वेट सोडियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन में मौजूद है वो 9 ग्राम पर लीटर हुई, 0.9 से मुराद ये हुआ। दोबारा आपको समझाऊं कि 0.9% से क्या मुराद है कि 0.9 ग्राम पर 100 ml, परसेंट 100 में आएगी ना, 100 में आएगी ना, तो जब हमने देखना 1 लीटर में है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 1000 में जब हम करेंगे तो ये 0.9 जो 100 में थी वो हो जाएगी 9 ग्राम पर लीटर। 9 ग्राम पर लीटर जो है कंसंट्रेशन किसकी है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है सोडियम क्लोराइड का। मॉलिक्यूलर वेट है 58.5 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 58.5 ग्राम पर मोल। तो इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो आ जाएगी 308, ठीक है, 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये हमने कैलकुलेट इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हमने देखनी मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हम ये इस पे कैलकुलेशन इस पे इस तरह नहीं हुई है, ये बुक्स में आप देख लीजिएगा। वैसे मैं आप बताता हूँ कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको हम जो इसकी कंसंट्रेशन है 9 ग्राम जो सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन है इसको हम डिवाइड करेंगे उसको मॉलिक्यूलर वेट से, ठीक है, ये फिर हमारे पास आ जाएगी इसकी मोलैरिटी। अगर हम 9 ग्राम पर लीटर को डिवाइड करते हैं 58.5 ग्राम पर मोल से तो ये इसकी मोलैरिटी आ जाती है इज इक्वल टू 0.154। ये ज़रब तकसीम आपको करनी आती है, कैलकुलेटर भी आपके पास होगा कि 9 ग्राम को जब हम डिवाइड करते हैं 58.5 से तो इसका आंसर आ जाएगा 0.154। अब उसमें मोल मॉलिक्यूल्स कितने हैं सोडियम क्लोराइड में? 2 हैं, ठीक है, थीके? तो ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऑस्मोल के साथ, उसके अंदर 2 ऑस्मोल है ना,
सोडियम है और क्लोराइड है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगी 0.308 आसमोल पर लीटर, और जब हम उसको मिली आसमोल में करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 308। ये जो यहाँ पे दी गई है 308, अब आपको बताओगे 308 ये किस तरह आया, यानी कि ये 9 ग्राम जो सोल्यूशन था एक लीटर के अंदर उसको हमने डिवाइड किया है इसके मॉलिक्यूलर वेट से, 9 ग्राम को हमने डिवाइड किया है सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूलर वेट से, ठीक है, उसका आंसर आया 0.154, ठीक है, और इसके अंदर 2 आसमोल है तो 0.154 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.154 के साथ, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 308 मिली आसमोल पर लीटर, ठीक है, ये आपको समझ आई किस तरह हुआ ये? यस सर, ठीक है ना। अब है ये ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ये जो अमाउंट है 308 की, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 90.3 के साथ, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 19.3 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आता है 5944 मिलीमीटर, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन। इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है 0.9% सॉल्यूशन का, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 5944 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब इसको हम एक करेक्शन फैक्टर है, इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक कोएफिशिएंट, ये एक लॉ है बॉन्डहॉफ लॉ, BONTS बॉन्डहॉफ लॉ, उस लॉ कहते हैं जो ये फैक्टर है 0.93, ये 0.93 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हमारे पास करेक्ट ऑस्मोलैरिटी आ जाएगी, 308 को आप मल्टीप्लाई करें 0.93 के साथ तो ये आपके पास 286 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, जो हमने कल एक चार्ट भी देखा था उसमें ये एग्जैक्ट नॉर्मल ये आ रही थी और एग्जैक्ट ये आ रही थी। एग्जैक्ट से क्या मुराद है, जब हम उसके करेक्शन फैक्टर के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उसकी एग्जैक्ट या करेक्टेड ऑस्मोलैरिटी आ जाती सामने। अब ये पूरा डायग्राम को समझ आ गई आपको, दोबारा रिपीट करूँगा कि ये कैलकुलेशन हमारे पास किस तरह आई है जी, बताएं एनीवन? अरे बोला यार, नींद आ गई क्या सर? पहले ये आ गई समझ। देखिए जी, टॉप पे हमें उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मालूम होना चाहिए, ठीक है, 19.3, फिर हमने ये देखा 1 लीटर में 0.9%, इसका मतलब है कि 9 ग्राम पर लीटर हो गया, ठीक है, फिर इसको हमने 308 कैलकुलेट कर गया, क्यों, इस 9 ग्राम को हमने डिवाइड किया इसके मॉलिक्यूलर वेट के साथ, अंडरस्टैंड, जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, और इसको इस आंसर को हमने जब मल्टीप्लाई किया 19.3 के साथ तो हमारे पास ये आंसर आ गया, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये करेक्शन फैक्टर वो है कि ये कांस्टेंट है कि इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो एग्जैक्ट जो है करेक्टेड ऑस्मोलैरिटी आ जाएगी ऑफ दैट सॉल्यूशन, जो हम सॉल्यूशन देख रहे हैं या जो चीज़ देख रहे हैं तो उसमें ये इसकी करेक्शन वैल्यू आ जाएगी। अब मुख्तलिफ ये चार्ट कल भी दिखाया था आपको, मैंने तो इसको दोबारा आपने देख लेना, उस चार्ट के बेस पे ये है कि ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड सोडियम और क्लोराइड ये दो मेन हैं जो मेंटेन कर रहे हैं ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ECF और ये अबाउट 70-80% है। इस चार्ट में भी आप देख लें कि सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है 142, इंटरस्टिशियल में है 139 और इंटरसेलुलर में है 40, ठीक है, और क्लोराइड जो है वो है 108 और 4, यानी कि ये दो मेन चीज़ें हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। और दूसरा है पोटाशियम, मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब देखिए जी, पोटाशियम जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज्यादा है, इट इज इक्वल टू 140 मिली ऑस्मोल। तो ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए कि सोडियम और क्लोराइड जो है वो ECF में ज्यादा है और पोटाशियम जो है वो ICF में ज्यादा है, बाकी रिलेटिव अगर दो चार वैल्यूज आपको याद हो जाए
क्योंकि क्लिनिकल साइड पर जो बहुत इसकी जरूरत पड़ती है फॉर द पर्पज ऑफ फिजियोलॉजी, दो चार वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए कि फॉर द पर्पज ऑफ वाइवा एंड फॉर द पर्पज ऑफ द जो आप एस ए क्यूज होते हैं उसमें जब आपने लिखनी है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में कौन कौन से आयन की ज्यादा है और किस में इंट्रा सेलुलर में कौन से ज्यादा है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर में है उसमें सोडियम क्लोराइड ज्यादा है और इंट्रा सेलुलर में जो है वो पोटाशियम ज्यादा है, ठीक है। और ये प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी हायर देन द इंटरस्टिशियल फ्लूइडिटी करेक्टेड ऑस्मोलैरिटी 282, ये आपको पहले बता चुका हूँ कि जो 300 है उसको हमने मल्टीप्लाई करते हैं अपना जो कोफिशिएंट फैक्टर है 0.93 उसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेट इज 282, ये एग्जैक्ट उसकी जो ऑस्मोलैरिटी आ जाती है तो एग्जैक्ट उसकी आती है 282। यहाँ तक आपको समझ आ गया, इसमें कोई परेशानी है कोई? अब ये है मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम बिटवीन ईसीएफ एंड आईसीएफ, माइनर चेंजेस इन द आइसोटोमिक सॉल्यूट कंसंट्रेशन लीड टू लार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो लास्ट अभी थोड़ी देर पहले किसी स्टूडेंट ने बात की थी आइसोटोनिक हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन की, आइसोटोनिक तो वही है 0.9% सोडियम क्लोराइड उसको हम आइसोटोनिक सोल्यूशन भी कहते हैं, इस तरह जो 5% ग्लूकोज है ये भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन से क्या मुराद है कि अगर उसमें हम कोई सॉल्यूशन के अंदर हम कोई सेल रख दें, फॉर एग्जांपल कोई सेल हम रख दें तो सेल में कोई चेंजेस नहीं आएगी, सेल के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगी। और अगर हाइपरटोनिक में रख दें फिर क्या होगा, जो फ्लूड है वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और अगर हाइपरटोनिक में क्या होगा, जो सेल का अपना फ्लूड है बाहर आना शुरू हो जाएगा। Understand this point? Isotonic osmolarity है 282 या 300 हम रफ रखते हैं, 300 अगर हम रखते हैं, ठीक है। और hypotonic की कम होके 200 अगर हो जाती है तो क्या होगा, जो सेल है वो swell up हो जाएगा, सेल का साइज इंक्रीज होगा क्योंकि उसके अंदर वाटर आना शुरू हो गया है। और hypotonic में क्या होगा, उसकी अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है मोर देन 300 है, 360 है, 70 है या 80 है, तो क्या होगा उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका जो फ्लूड है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। ये बड़े अच्छे डायग्राम की पिक्चर उसमें दी गई है बुक के अंदर, उसका आप देख लीजिएगा, कई जन मिल गया नहीं देख लीजिएगा। अच्छा ये वही है आइसोसोमेटिक हाइपर हाइपो ऑस्मोटिक, ये उसी पर आइसोसोमेटिक यानी कि डिफाइन कर रहे हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो उसकी ऑस्मोलैरिटी है वो सेम है, इसलिए इसको हम कहते हैं आइसोसोमेटिक। इस तरह हाइपोसोमेटिक और हाइपर ऑस्मोटिक, ठीक है, उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज हो रही है या कम हो रही है उसके हिसाब से ये हमें दी गई चीजें। अच्छा वॉल्यूम एंड ऑस्मोलैरिटी ऑफ ईसीएफ एंड द एबनॉर्मल स्टेट्स। अब क्या हो सकता है कि अगर हमने वाटर बहुत ज्यादा पी लिया है, इंजेस्ट कर लिया है, तो उसकी क्या प्रॉब्लम हमें आएगी बॉडी के अंदर, या डिहाइड्रेशन हो गई है, हम समर के वेदर में हैं और हम पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे तो डिहाइड्रेशन हो गई है, या किसी पेशेंट को हमने आईवी इन्फ्यूजन दी है, आईवी इन्फ्यूजन हम कौन सी दी है, आइसोटोनिक सोल्यूशन दिया है, ग्लूकोज दिया है या कोई और दिया है। फिर देखें अगर जीआईटी लॉसेस हो गया है, कोई डायरिया हो गया है, ये कोई और प्रॉब्लम है उसके अंदर हमारा वाटर लॉस हो रहा है, फिर हमारे अंदर क्या चेंजेस आएगी, हमारी ऑस्मोलैरिटी में क्या चेंजेस आ रही है, फिर अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है फिर उसमें हमारी जो हमारी इंटरनल ऑस्मोलैरिटी उसमें क्या चेंजेस आ रही है, ठीक है। तो ये अगर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, वाटर मूव्स रैपिडली अक्रॉस द मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इम्परमीएबल टू सॉल्यूट्स, ये तो आप बार बार रिपीट ये चीज़ होगी। सो मुख्तलिफ ये कंडीशन है कि अगर हम वाटर बहुत ज़्यादा इंजेस्ट कर लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा, हमारी ऑस्मोलैरिटी पे क्या चेंजेस आएंगी, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन होगी, वाटर हमारा निकल गया है, कोई स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या हम कोई एक्सटर्नल आईवी इन्फ्यूजन उसको दे रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, या जीआईटी लॉसेस हो गए, कोई मोशन लग गए, डायरिया हो गया, फिर क्या हो रहा है, या कोई प्रोफ्यूज एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है।
अब एक एग्जांपल आपके बुक में दी गई है, इसको भी आप देख लें, मैं आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि अगर हम 2 लीटर ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसकी कंसेंट्रेशन है 3%, अगर हम उसको ऐड करते हैं बॉडी के अंदर आईवी हम उसको देते हैं तो क्या चेंजेस आती हैं। तो इस पहले पिक्चर में हम देख रहे हैं जो नॉर्मल कंसेंट्रेशन है बॉडी की, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड में 14 लीटर है, इंट्रा सेलर फ्लूड में 28 से, और टोटल बॉडी फ्लूड 42 है। ये तो हम पिछले कल से हम पढ़ रहे हैं कि टोटल बॉडी फ्लूड है 42, इंट्रा सेलर है 28 और एक्स्ट्रा सेलर है 14, ठीक है, ये तो आ गया वॉल्यूम। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस सर। सेकंड स्टेप पे कंसंट्रेशन, ये वही सेम दी गई है कि 280 है, 86 है, ये ऑलमोस्ट उसी रेंज में है कि तमाम की तमाम 280 है, 280 है, 280 है, और ऑस्मोल उसका क्या आ गया 3920, उसका है 7840 और टोटल हो गया 11760। यह टोटल मिली ऑस्मोल हमारी बॉडी के अंदर जो इनिशियल कंडीशन में है। ये आपको बात समझ आई है? ये पहली डायग्राम है जो उसके अंदर दी गई है पिक्चर के अंदर आपकी बुक के अंदर। अगर आपको मिली ऑस्मोल्स पता है, फॉर एग्जांपल ये ऊपर की जो लाइन है 3920, इसको अगर हम डिवाइड कर दें उसी कंसंट्रेशन पे, दैट इज अ 280, तो लेफ्ट साइड पे उसका हमें पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये तीनों वैल्यू किस तरह आ रही हैं। अगर 3920 को हम डिवाइड कर दें 280 के ऊपर तो उसका वॉल्यूम आ गया 14 लीटर। इस तरह 7840 को डिवाइड कर दें 280 पर तो उसका वॉल्यूम आ रहा है 28, और उसका है थर्ड पे जो लास्ट है टोटल 11760 को अगर हम डिवाइड करें 280 पे तो उसका वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है 42। ये है इनिशियल कंडीशन बिफोर गिविंग द आईवी सॉल्यूशन ऑफ 2 लीटर ऑफ 3% सोडियम क्लोराइड। ये नॉर्मल कंडीशन है कोई भी फ्लूड देने से पहले। जब हमने अब फ्लूड दिया है उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं, इमीडिएट जो है फौरन एडिशन क्या होगा, हमने उसको एक्स्ट्रा सेलुलर दिया है, आईवी ड्रिप के दिया है तो एक्स्ट्रा सेलुलर में चला गया, तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो पहले 14 था अब वो बढ़कर हो गया है 16। अंडरस्टैंड व्हाट पॉइंट? ये पॉइंट आप समझ आया? यस सर। यस सर। यहां से पहले 14 लीटर था, हमने ये 2 लीटर इसमें हमने ऐड कर दिया तो ये 16 लीटर हो गया है, ठीक है। ये इंट्रा भी वही सेम का सेम है, 28 ही है, तो टोटल 42 था, उसमें 2 लीटर ऐड हो गया है, 2 लीटर उसमें ऐड हो गया, ये हो गया 44। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ पे 14 था, 2 लीटर हमने ऐड किया, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, और ये ऑलरेडी सेम था 28, ये इंक्रीज होके 44 है, यहाँ पे 2 हमने ऐड किया तो ये इंक्रीज होके 44 हो गया। अब इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि ये हमने फ्लूड हमने इसमें डाल दिया है, ये मिली ऑस्मोल को हमने ये 597 को हम डिवाइड कर दें, अगर हम 16 के इसके साथ, क्योंकि ये उसके फ्लूड कंटेंट बढ़ गया है तो ये इसमें जो है इसमें कंसंट्रेशन उसकी सॉल्यूट्स की ज्यादा हो गई है तो उसके ऑस्मोल भी बढ़ गए हैं, जो पहले 280 था अब बढ़कर 373 हो गया है। किस तरह हुआ कि इसको अगर हम इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 16 लीटर। ये वही सेम ही है जो पिछले डायग्राम में था। इस यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नो इक्विलिब्रियम, ये क्योंकि हमने इमीडिएट इस कंसंट्रेशन को चेक किया है तो यहाँ पे नो इक्विलिब्रियम आया है। अब हम अगले पिक्चर में देखते, जब इक्विलिब्रियम हो रहा है इस देने के बाद, जब हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा है, इक्विलिब्रियम से मुराद है कि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो सेम आ रही है, कंसंट्रेशन जो 280 थी वो बढ़कर अब 313.9 हो गई है, और यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी थी वो उसके हिसाब से डिफरेंट आएगी,
ये उसी तरह इसको हम अगर हम डिवाइड करते हैं 5.71 को इस पे हम डिवाइड करेंगे तो ये 19 लीटर आ रहा है हमारे पास आंसर। यानी जो यहाँ पे पहले 14 लीटर था जो इमीडिएट बढ़ के 16 लीटर हो गया था अब वो बढ़ के 19 लीटर हो गया है। ESF फ्लूड जो है वो बढ़ गया है क्योंकि वहाँ पे सोल्यूट्स की कंसेंट्रेशन बढ़ गई थी इसलिए वाटर जो है इस तरफ बढ़ गया तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ये बात आपको समझ आई? यहाँ पे 14 लीटर से पहले इनिशियल कंडीशन में फिर 2 लीटर हमने दिया उसको 3% सोडियम क्लोराइड वो हो गया 16 लीटर। थर्ड स्टेप पे हमने इक्विलिब्रियम में जाना है, अब हमें बॉडी हमारे इसका इक्विलिब्रियम कर रही है कुछ देर के बाद, तो इक्विलिब्रियम में जब जाएगी तो ये तमाम की तमाम कंसंट्रेशन जो है वो सेम हो जाएगी। जब ये कंसंट्रेशन सेम होगी तो इसके साथ जब हम इसका जो ऑस्मोल है इसको हम डिवाइड करेंगे इस कंसंट्रेशन पे तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है 19 लीटर। यानी कि जो 14 लीटर हमारा इनिशियल कंडीशन में था 2 लीटर हमने बाद में दिया मगर उसके बाद भी हमारा 3 लीटर पानी जो है या फ्लूड जो है कंपार्टमेंट में ESF में वैल्यू उसकी ज्यादा हो गई है। क्यों? उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ गई थी उसकी वजह से जो बॉडी का फ्लूड था वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में उसकी मिकदार या तादाद या क्वांटिटी बढ़ गए 14 से ये 19 हो गई है। और अगर हम टोटल देखें तो वो 44 है, टोटल 44 है, तो 19 जब हम निकाल देंगे 44 में से तो ये आंसर आ जाएगा 24.98। तो इंट्रा सेलुलर में हमारे पास जो क्वांटिटी बचती है डेट इज 24.98। इसका आंसर भी वही सेम है 313.9 सो ऑस्मोलिटी सेम है। इसको हम कहते हैं कि ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि पहले हमने उसकी इनिशियल कंडीशन देखनी है फिर उसके हमने आईवी फ्लूड दिया उसको हमने उसके बाद क्या चेंजेस आई है उसके बाद जब मेंटेनेंस हुई उसकी इक्विलिब्रियम में आया तो उसकी फिर क्या चेंजेस आई है। ये तीनों जो है ग्राफ आपके बुक में दिए गए हैं, इसको डिटेल भी वहाँ पे काफ़ी दिया गया है, मैंने भी काफ़ी कोशिश की आपको समझाने की, मेरे ख्याल में आपको समझ तो आ गई होगी अगर नींद में नहीं होंगे तो। अच्छा, ये तो आपने अक्सर नाम सुना होगा कि जी कोई किसी को प्रॉब्लम हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई या कोई और मसले मसाइल हो गए तो हम उसको आई वी फ्लूड दे रहे हैं तो उसमें ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड भी हैं और मुख्तलिफ सोल्यूशन उसको दिए जाते हैं तो ये बॉडी पे सारे उसके इफेक्ट्स होते हैं। आज हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं तो कल नेक्स्ट टाइम जब मंडे को हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है अडीमा, उसका बुक में से आप पढ़ लें और अगर कोई इसमें से आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो एनी क्वेश्चन। सर ये जो 14 से 16 हुआ था फिर 16 से 19 हो गया था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो 16 से 19 इस वजह से हुआ है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाला है तो वो हाइपरटोनिक हो गया और वाटर जो है वो इंट्रा सेलुलर से फिर एक्स्ट्रा सेलुलर में मूव करेगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही समझे, ठीक है ओके। वहां पे वॉल्यूम जो है ना वाटर का बढ़ गया, फ्लूइड का वॉल्यूम वहां पे बढ़ गया जो पहले 2 लीटर तो हमने ऐड किया था ना तो बढ़ के वो 9, ठीक है। तो ये जब उस वक्त हुआ है जब हमने इसको टोटल कंसंट्रेशन उसकी हमने मेंटेन हुई है कुछ देर के बाद, यस वो इंट्रा सेलुलर से मूव करके आएगा जरा और इस वजह से इंट्रा सेलुलर कम हो जाएगा। अब इसमें एक अहम चीज देखते हैं वो यही है कि जो टोटल फ्लूइड है वो 44 ही है। यस पहले पिक्चर में जब हमने ऐड किया था सेकंड में 2 लीटर हमने ऐड किया था ना टोटल हमारे बॉडी का है 42 तो वो हो गया था 44, 2 लीटर हमने उसमें ऐड किया, ठीक है ये अमाउंट सेम है 44 ही है, इसमें यहाँ पे 2 ही लीटर बढ़ा है मगर यहाँ पे बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, हमने सोडियम क्लोराइड दिया तो यहाँ से फ्लूड निकल के इस तरफ आ गया तो इसका फ्लूड बढ़ के जो था 14 वो 19 हो गया है, ठीक है। और कोई सवाल?